हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8, प्रीवियस वीडियोज यू हैव स्टडी अबाउट टाइप्स ऑफ सॉल्ट. नाउ नेक्स्ट टॉपिक एबिलिटी ऑफ वाटर. फॉर ए वेल डेवलप्ड एंड प्लांट एंड यूज पैटर्न, एक बहुत ही अच्छा डेवलप्ड प्रगतिशील और योजनाबद्ध भूमि का प्रयोग करना, उसके लिए वाटर एबिलिटी बहुत ही आवश्यक होती है. वाटर एबिलिटी एडिशनल, पानी की उपलब्धता विशेष जरूरत होती है. ऑल टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट क्रॉप पास्चर इसी नीडी प्लेंटी ऑफ वाटर सर्वाइव. सभी प्रकार के जंगल, फसलें, चरागाह, इनको बहुत अधिक मात्रा में स्वयं को जीवित रखने की पानी की जरूरत होती है. एज वाटर इज बेसिक नीड ऑल द लिविंग बींग्स, तुम जानते हो जो हमारी आधारभूत जरूरत सभी लिविंग बींग्स के लिए होती है, सभी जीवित प्राणियों के लिए पानी की बहुत आवश्यकता होती है. इस प्रकार एबिलिटी इशल बोथ ऑफ द सेटलमेंट एंड लैंड एंड यूज पैटर्न. इस प्रकार पानी की उपलब्धता बहुत ही आवश्यक होती है दोनों के लिए, सेटलमेंट के लिए और लैंड यूज पैटर्न के लिए, यानी भूमि के प्रयोग करने के लिए और स्थापना के लिए, जहाँ सेटलमेंट करते हैं हम रहते हैं उसके लिए. नेक्स्ट टॉपिक मिनरल्स. मिनरल डिपॉजिट ऑल इन्फ्लुएंस द लैंड यूज पैटर्न ऑल प्लेस, उस स्थान के जमीन के जो पैटर्न है उसको और जो मिनरल्स हैं, खनिज पदार्थ हैं, वो भी बहुत प्रभावित करते हैं. फॉर एग्जाम्पल द ए रीजन हैविंग मिनरल्स डिपॉजिट इज यूज फॉर ए माइनिंग पर्पज, जिस क्षेत्र में मिनरल्स पाए जाते हैं वहाँ पर वो क्षेत्र माइनिंग खदानों के उद्देश्य से उपयोग किया जाता है. बड़ी बड़ी वहाँ पर हग इंडस्ट्रीज कैन बी सेटअप इन बिगेंट, बड़ी बड़ी वहाँ पर कारखाने वहाँ पर लगाए जा सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन रिसोर्सेस, बोथ टू साइड्स ऑफ ए कॉइन, ये दोनों एक सिक्के के दोनों एक पहलू होते हैं. ह्यूमन रिसोर्सेज यूज टेक्नोलॉजी, मनुष्य जाति अपनी तकनीक का प्रयोग करके टू कन्वर्ट द रॉ रिसोर्सेज इन टू द वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स, यानी कच्चे प्राकृतिक संसाधनों को वो अपनी तकनीकी के आधार पर उनको एक बहुमूल्य पदार्थों के रूप में उसको चेंज कर बदल देता है. दैट फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ पीपल, जो लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करता है. क्लियर. कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेस, तो इस प्रकार से हमें जमीन से बहुत अधिक लाभ मिलते इसलिए हमें उसका संरक्षण करना भी आवश्यक होता है. तो जो मेन मुख्य पॉइंट है हम कंजर्वेशन ऑफ लैंड, नंबर वन एफोरेस्टेशन एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग, हमें एफोरेस्टेशन करना चाहिए यानी हमें पेड़ पौधों लगाने चाहिए, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग, और जो पशु चराते हैं उसका प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए. प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट, एक क्रमबद्ध श्रृंखला होनी चाहिए पेड़ों के लगाने की. कंट्रोल ऑन ओवर ग्रेजिंग, बहुत अधिक जिसमें चरागाह का काम होता है पशुचारण का, उस पर कंट्रोल करना चाहिए. इस्टेब्लिशंस ऑफ सैंड ड्यून्स बाय ग्रोइंग ट्यून्स प्रोसेस, यानी जो सैंड ड्यून्स होते हैं वो इधर से उधर न हो, यानी हमारी मिट्टी इधर से उधर न हो, उस पर हमें थ्रोनी ब्रोसेस यानी कांटेदार झाड़ियों को उगाना चाहिए. तो ये इस प्रकार हमें कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज करता है. अगला है टॉपिक सॉइल प्रोफाइल, द फिगर बिलो रिप्रेजेंट द सॉइल प्रोफाइल. आगे आप बुक में अपनी में देखेंगे सॉइल प्रोफाइल का एक फिगर है, चित्र दे रखा है, उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल, उसमें विभिन्न प्रकार की जो हमारी मिट्टियाँ हैं पड़ते हैं उनके दिखाई गए. लाइक हाउस विद सेवरल फ्लोर, जिस प्रकार एक घर में विभिन्न प्रकार की फ्लोर्स होते हैं, मंजिलें होती हैं, उस प्रकार भी मिट्टी की हमारी परतें होती है. सॉइल हैज डिफरेंट लेयर्स, ये विभिन्न प्रकार की परतें होती हैं. थ्री मेन लेयर्स ऑफ द सॉइल, आप इस अध्याय में आप तीन मुख्य परतों के बारे में पढ़ेंगे, टॉप सॉइल, सब सॉइल एंड पेरेंट रॉक सॉइल, जिसमें आप अपनी बुक में इन लेयरों के बारे में भली बात पढ़ेंगे. नेक्स्ट हॉरिजन टॉप सॉइल, इट कंटेन ह्यूमस एंड पार्टिकल्स ऑफ रॉक्स, इसमें ह्यूमस होता है, ह्यूमस के बारे में पिछली क्लास में आप पढ़ चुके हैं, जो एक मिट्टी बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है उसको हम ह्यूमस कहते हैं, जिसमें सारे जो तत्व उसमें स्थित होते हैं एक फसल अच्छी फसल को उगाने के लिए. पार्टिकल्स ऑफ रॉक, उसमें
छोटे छोटे कर्व होते हैं रॉक्स के, इट इज अपर मोस्ट हॉरिजन सॉइल, ये सबसे ऊपर वाली परत होती है। सेकेंड सब सॉइल, इट लाई बिलो द टॉप सॉइल, ये टॉप सॉइल के नीचे वाली परत होती है। कंटेन स्मॉल रॉक्स, में छोटे छोटे कड़ होते हैं, चट्टानों के सॉल्युबल मिनरल्स और घुले हुए खनिज पदार्थ और आयरन ऑक्साइड इसमें पाया जाता है। तीसरा हॉरिजन फ्रैगमेंटेड रॉक्स मटेरियल्स, इट लाई बिलो द सब सॉइल एबव द पेरेंट रॉक, ये पेरेंट रॉक और सब सॉइल के बीच वाली एक परत होती है, मेड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ रॉक, और ये छोटे छोटे चट्टानों के टुकड़ों से बनी होती है। लास्ट हॉरिजन पेरेंट रॉक, दिस हॉरिजन कंसिस्ट पेरेंट रॉक, इट इज द सॉलिड अंदर अनविदर्ड रॉक, ये बहुत ही ठोस जो बिल्कुल न टूटने वाली इसमें चट्टाने पाई जाती है। डिफरेंट टाइप पेरेंट्स रॉक, डिफरेंट क्लाइमेट प्रोडक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल, विभिन्न प्रकार की जो पेरेंट्स रॉक होती है वो विभिन्न प्रकार के हमारे वातावरण के द्वारा प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो ये तो था आपकी सॉइल के बारे में, परतों के बारे में। अब पढ़ेंगे हम सॉइल टाइप्स इन इंडिया, भारत में मिट्टी के प्रकार। तो सबसे पहला एलिवल सॉइल, एलिवल सॉइल आप जानते हैं, एलिवल सॉइल इज डिपोजिटेड बाय रिवर सिल्ट, नदियों के द्वारा बहाई हुई जो सिल्ट होती है, कीचड़ होती है, उसके द्वारा ये बंदे जो इंडो गैंगटेन के ब्रह्मपुत्र प्लेन्स में पाई जाती है। ओल्डर एलिवल नोन भांगर, यानी पुरानी जो एलिवल मिट्टी होती है उसको भांगर के नाम से जाना जाता है, और न्यू एलिवल सॉइल इज खादर, और नई एलिवल मिट्टी को हम खादर के नाम से जानते हैं। रेड सॉइल, इट इज डिपोजिट बाई बीदरिंग ऑफ एंशियंट इग्नियस रॉक, ये इग्नियस चट्टानों के बीदरिंग टूटने के कारण बनती है। पेंसुलर प्लेटू, हमारे जो पेंसुलर प्लेटू है पठार है वहाँ पर इस तरह से पाई है। द रेड सॉइल कवर्स एक्सटेंडेड एरिया ऑफ कर्नाटका, ये रेड सॉइल जो है कर्नाटक बहुत अधिक मात्रा में कर्नाटका केरला एंड आंध्र प्रदेश उड़ीसा एंड झारखंड के भागों में पाई जाती है। अगली लेटराइट सॉइल, इज फॉर्म्ड बाय क्रिस्टलाइज रॉक्स बाय द इंस्टेंस लीचिंग ड्यू टू द हैवी रेन, ये जो मिट्टी होती है लेटराइट सॉइल, ये भारी बारिश के कारण चट्टानों पर जब भारी बारिश पड़ती है तो उसके द्वारा ये भागर बनाई जाती है। हिली एरिया वेस्टर्न घाट, जो हिली एरिया पहाड़ी क्षेत्रों में वेस्टर्न घाट, छोटा नागपुर और प्लेट्यू, छोटा प्लेट्यू के भागों में पाई जाती है। शिलोंग प्लेट्यू, शिलोंग के पठारों में है लेटराइट सॉइल, जहाँ पर ये इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। अगली ब्लैक सॉइल, इट फॉर्म फ्रॉम द विदरिंग ऑफ बेसाल्टिक लावा शीट इन द डेंकन ट्रैप रीजन, ये दक्षिण के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर लावा के द्वारा जो लावा निकलता है उसके द्वारा मिट्टी की काली मिट्टी बनती है। ब्लैक जो ब्लैक इन कलर, जो रंग में काली होती है। जी दीज रेगर सॉइल सॉल्ट मॉइस्चर, इसमें मॉइस्चर बहुत होता है, नमी होती है, एंड सो ही सूटेड फॉर द ग्रोइंग कॉटन शुगर केन एंड मिलेट्स, और ये शुगर केन मिलेट्स और कॉटन के लिए बहुत ही उपजाऊ होती है। ये ज़्यादातर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और पार्ट ऑफ तमिलनाडु में पाई जाती है। डेजर्ट सॉइल फाउंड इन राजस्थान, आप जानते हैं रेगिस्तान में पाई जाती है डेजर्ट सॉइल, विद द हेल्प ऑफ इरीगेशन कैन यू टू ग्रो मिलेट, यहाँ पर हम सिंचाई की मदद से यहाँ पर मिलेट और मैजे मक्का और मिलेट हम इसको उगा सकते हैं। माउंटेन से इज फाउंड इन द हिमालय रीजन, आप जानते हैं माउंटेन सॉइल हिमालयी क्षेत्र में पाई जाती है। हिली स्लोप्स हैं, पहाड़ी के जो स्लोप्स होते हैं ढलान, वहाँ पर ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न और वेस्टर्न घाटों में। लास्ट सैलाइन सैंडी सॉइल, कोस्टल एरिया है मॉडिफाइड सैलाइन सैंडी सॉइल, जो क्षेत्र हमारे कोस्टल होते हैं समुद्री किनारे वाले, वहाँ पर इस प्रकार की सैलाइन सैंडी सॉइल पाई जाती है, जो कोकोनट और वहाँ पर पाम टी ज़्यादातर उगाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में आप पढ़ने जा रहे हैं वाटर रिसोर्सेस। ठीक है, वाटर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म, आप जानते हैं पानी जो होता है हमारे सभी ऑर्गेनिज्म जीव जंतुओं को प्रभावित करता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। वाटर इज रिक्वायर्ड टू बाई ह्यूमंस, इसको मनुष्य को वाटर रिक्वायर्ड जरूरत होती है पानी की, इसको ह्यूमंस मनुष्य जाति को, प्लांट्स पेड़ पौधे को, एनिमल्स देयर सर्वाइवल, अपने को स्वयं को जीवित रखने के लिए। ह्यूमन नीड वाटर फॉर देयर डेली नीड्स, और अपनी रोजाना की जो जरूरतें होती हैं कुकिंग की, ड्रिंकिंग की, ईटिंग, इसके लिए भी जरूरत होती है। आप जानते हैं इनके बारे में, आप बहुत पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक है वाटर साइकिल। वाटर साइकिल भी आप छोटी पिछली क्लासों में आप पढ़ चुके हो, वाटर साइकिल कैसे होता है, पानी का जो चक्र होता है वो कैसे बनता है। आप जाते हो वाटर साइकिल
इन स्पाइट ऑफ मैसिव यूज ऑफ वाटर बाई ऑल अस एंड प्लांट्स द मास ऑफ वाटर ऑन द अर्थ फेली कंसर्ट ओवर टाइम, बहुत अधिक यूज करने के बाद भी पानी हमारे या पेड़ पौधों के द्वारा फिर भी वाटर जो पानी है हमारे पृथ्वी पर बहुत ही लगातार टाइम टू टाइम वो बना रहता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण होता है एवोपोरेशन, वाष्पीकरण, कंडेंसेशन और प्रेसिपिकेशन। आप जानते हो जब पानी गर्म होता है तो हवा में उड़कर जाता है, ऊपर जाकर जैसे हवा के संपर्क में आकर ठंडा होता है तो बारिश के रूप में नीचे आ जाता है, यही वाटर साइकिल होता है। अब ये सारे हमें रिसोर्सेस हैं, इनको भी हमें कंजर्वेशन करना चाहिए। तो वाटर भी हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए हमें वाटर को भी कंजर्व करना चाहिए। द टर्म कंजर्वेशन रेफर टू द एफिशिएंट यूज, जो कंजर्वेशन मीन्स होता है हम एफिशिएंट यानी प्रभावशाली तरीके से हमें पानी का यूटिलाइजेशन करना है उसके प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, तो इसके कुछ पॉइंट हैं, इनको हम वाटर को कैसे हम कंजर्वेशन कर सकते हैं। तो नंबर वन, ग्रो डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, हमें विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों को उगाकर स्लो डाउन द सरफेस रन ऑफ, जिससे वो पानी उसका बहना बहुत ही स्लो हो जाए धीरे। दिस वे अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज कैन बी इंप्रूव, इस प्रकार जो हमारा अंडरग्राउंड वाटर है जमीन के नीचे वाला पानी अच्छी तरह से वहाँ पर स्टोरेज हो जाए। दूसरा, इंपाउंड वाटर रिसोर्स बाई मेकिंग चेक डैम, और आप जानते हैं जहाँ पर पानी को संरक्षण करने के लिए डैम बनाकर उसको हम रोक सकते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक में एक तकनीकी आती है, रेन वाटर बरसात के पानी को हम रोक कर उसको हम जो बहने से रोकना उसको हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। इस प्रकार हम पानी को संरक्षित कर सकते हैं। क्लियर। एक्यूटे अमाउंट ऑफ वाटर शुड बी यूज्ड, और बहुत कम मात्रा में इरीगेशन प्रोसेस, एक ऐसा हमें सिंचाई का प्रोसेस अपनाना चाहिए जिसमें कम से कम पानी का यूज होना चाहिए। कैनाल लाइनिंग शुड बी यूज टू कंट्रोल वाटर सीपेज, और कैनाल लाइनिंग हमें यूज करनी चाहिए जिससे हमारा वाटर सीपेज जमीन के अंदर चला जाए। तो और रिसाइकल वाटर शुड बी यूज टू कैन कूलेंट इन द इंडस्ट्रीज, और हमें पानी का रिसाइकिल भी करना चाहिए। इस प्रकार हम ये सारी चीज़ें, ये सारे जो पॉइंट्स थे, इससे हम वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। तो इस प्रकार इस चैप्टर में आपने बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी ली, जिसमें आपने पढ़ा था लैंड रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा आपने, लैंड यूज हमें कैसे करना चाहिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग लैंड यूज पैटर्न, सॉइल रिसोर्सेज, ठीक है, कंपोनेंट ऑफ सॉइल, सॉइल प्रोफाइल, वाटर रिसोर्सेज, वाटर साइकिल। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आऊँगा आपकी बुक एक्सरसाइज वगैरह और सारे क्वेश्चन आंसर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।